हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीकॉम सेकेंड ईयर में है तो उनके लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर आता है उसमें 2021 के इम्प्रूवमेंट या फिर बैक पेपर में आने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। बाकी 2022 के जो अप्रैल मार्च अप्रैल में जो आपका पेपर होगा उस समय जो क्वेश्चन आएंगे उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। बस अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले जितने भी छात्र हैं वो अपना ध्यान से तैयारी कर लें, क्योंकि आपको पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। और आप याद रखिए, इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप देखेंगे 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो कौन सा पेपर है? फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को ओपन करेंगे और जो बता रहा हूं इसको आप याद करेंगे, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार वीडियो को, आप सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को, फेसबुक पर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, जो भी आपके दोस्त हैं आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं अनदर चैनल के, उनके लिए भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। और जो बीकॉम में स्टूडेंट है वो बीकॉम पेपर हैकर को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो को आप पेपर हैकर या फिर फेसबुक पर भी, पेपर हैकर पर भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखने को मिलेगी। इसको देखिए, आप यहाँ बोला गया है फंडामेंटल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो पहला क्वेश्चन रहेगा पेपर में इंपॉर्टेंट वो रहेगा, उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता है क्या, उसकी विशेषता क्या होती है, उनके गुण और दोषों के बारे में याद कर लेंगे। किसके बारे में? उद्यमिता क्या होती है। उसके बाद में आता है नेतृत्व, जो नेतृत्व है उसकी क्षमता के बारे में पढ़ लेंगे। और जो उद्यमी होता है ना, उद्यमी में नेतृत्व की विशेषता और उसके गुण के बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, मतलब अभिप्रेरणा की परिभाषा याद करेंगे। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, उसकी क्रिया किस प्रकार से होती है, मतलब उसकी प्रक्रिया कैसे होती है वो आप याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोखिम पूंजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोखिम पूंजी किसे कहते हैं? जोखिम पूंजी को साहसी पूंजी भी बोलते हैं, जोखिम पूंजी के जगह पे साहसी भी बोल सकता है। और इसका विशेषता और उसके प्रकारों के बारे में आप याद करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में आता है, उपक्रम क्या होता है, उसका स्थान प्रक्रिया उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है कि उपक्रम उपक्रम कह सकते हैं, उपक्रम स्थापना की प्रक्रिया क्या होती है आपको संक्षेप में वर्णन करना है। यहां बोला गया है नवाचार, नवाचार को नव प्रवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है ये भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए, उद्यमिता, उद्यमिता मैंने ऊपर बोल रखा है, उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये आपको समझाना है भैया, क्या बताना है कि उद्यमिता एक क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको आप समझाइए, ये आप देखेंगे। संतुलित आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी आप याद करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो एक है, भारतीय मानक ब्यूरो जिसे हम BTS कहते हैं या फिर कह सकते हैं ISO 1900 के उद्देश्य एवं उनकी कार्यविधि और उसमें आपको अंतर बता देना है। BTS क्या होता है, ISO क्या होता है, 9000 के उद्देश्य, ठीक है, 9000 का उद्देश्य और कार्यविधि में अंतर आपको बता देना है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपका लिखा होगा, एक बार चेक कर लेना अपने बुक नोट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात प्रोत्साहन क्यों आवश्यक है और इनकी कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं इसमें वो वर्णन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर MSP जो अखौरी थे, अखौरी मॉडल जिसने दिया था, अखौरी मॉडल कह सकते हैं, एक सर MSP ने अखौरी मॉडल दिया था, उस मॉडल के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एक उद्यमी के पूर्व ग्रहण क्या करेंगे, एक उद्यमी के पूर्व ग्रह के बारे में पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, देखिए ये वाला, उद्यमी तथा प्रबंधक के अंतर, मतलब इन दोनों में विभेद, मतलब कि अंतर ही कहेंगे कि उद्यमी किसे कहते हैं और प्रबंधक किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा पढ़ लेंगे, मतलब दोनों में अंतर देखेंगे। और नियोजन की विशेषता क्या होती है, नियोजन क्या है, नियोजन के कार्य क्या होते हैं, कार्य विशेषता वही होती है। उसके बाद में आता है समता कर व्यापार नीति की सीमाएं क्या होती हैं वो आप देखेंगे। और
स्वामित्व, स्वामित्व के प्रकार कितने होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वामित्व के प्रकार को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उद्यमी की समक्ष आने वाली समस्याएं कौन कौन सी आ जाती हैं, जो उद्यमी है उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, वो समस्याओं के बारे में पढ़ लेना, प्रेरणा के महत्व क्या होते हैं, प्रेरणा के कौन कौन से महत्व हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे सृजनात्मकता के प्रक्रिया और उनके प्रकारों के बारे में, लघु उद्योग विकास संगठन जिसे हम SIDO कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु उद्योग विकास संगठन को SIOD कहते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं उन कार्यों को देख लेना अच्छी तरीके से। और बस थोड़ा सा दो क्वेश्चन और हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। औद्योगिक नीति 1991 की विशेषता और उनके उद्देश्यों को देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक नीति 1991 में जो हुई थी वो आपको बता देना है, उनकी विशेषताओं के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्यों के बारे में देख लेना है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण नीति उद्देश्यों के बारे में देख लेना है, आयत निर्यात 2002 और से लेकर 2007 तक की जितनी विशेषता हुई है आयात निर्यात में, वो विशेषता आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी आप पढ़ लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों के जो सृजन की उद्यमी की जो भूमिका रहती है उस भूमिकाओं के बारे में पढ़ लेना, कि रोजगार के जो अवसरों में जो सृजन होते हैं उनकी जो उद्यमी की जो भूमिका रहती है उनकी भूमिकाओं के बारे में पढ़ लेना, बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत देखना, यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बाकी कुछ भी नहीं है, फालतू में पूरी बुक दे रखी है आपको। हाँ समझ रहे हो, पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप देख लेना। इंपोर्टमेंट जैसे ही पेपर हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर पेपर को सेंड कर देना, सारे आपको दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और इन क्वेश्चनों को याद करके पेपर देने चले जाओ, जो याद है पहले वो करेंगे, जो याद नहीं है उसको छोड़ देंगे, जब टाइम मिलता है तो सारे बना बना के लिख के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।